बोला कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या और तीनों दुर्लभ है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज के जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं बहुत अच्छे टॉपिक हैं। इसमें हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं और विशेषकर जानकारी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। वर्ण और अक्षर, देखो हम कई बार अक्षर भी बोल देते हैं, वर्ण भी बोल देते हैं। भाई ये वर्ण है अक्षर, अक्षर क्या है? यदि वर्ण है तो अक्षर क्या है? ठीक है, एक तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक वर्तस्य ध्वनियां कौन सी होती हैं, एक अनुतान क्या होता है। कई बार हम पढ़ते हैं भाई अनुतान अनुतान, ये बहुत अच्छा शब्द है। मानक वर्ण, फिलहाल मानक वर्ण कई बार एग्जाम में आता है कि भाई निम्न में से मानक वर्ण कौन सा है, चार ऑप्शन होंगे कौन सा मानक वर्ण है। और परीक्षा उपयोगी शुद्ध शब्द लगभग घूम फिर के वही शब्द आते हैं, भाई इसका शुद्ध शब्द क्या है, ये लगभग 15-20 शब्द है, बार बार वही पूछते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये जो पांच टॉपिक मैंने बनाए हैं तो ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। देखो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने भी स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, उनको वर्ण भी बोलते हैं और उनको अक्षर भी बोलते हैं। जितने भी व्यंजन हैं जो हलंत से लिखे जाते हैं, जिनमें परिभाषा यदि लिखनी हो तो स्वर विहीन जो वर्ण व्यंजन होते हैं, यानी कि ये व्यंजन हो गया, ठीक है, ये व्यंजन हो गया, लेकिन यदि च और ए इनका वर्ण विच्छेद करता हूं तो ये जो च है इसको अक्षर बोलते हैं, जिसमें स्वर नहीं होता वो अक्षर होते हैं। अक्षर जिसका क्षर ना हो, क्षर मतलब जिसके टुकड़े ना हो, जिसके खंड ना हो, ठीक है, तो ये सारे अक्षर होते हैं क्योंकि इनको अलग नहीं कर सकते। अब इसको क्या ही अलग करोगे, इसको पहले आता है ये। तो जिनको जिनका अक्षर नहीं होता, जिनके खंड नहीं होते, जिनके टुकड़े नहीं होते, वो अक्षर होते हैं। और एक ही बात बताऊंगा, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा और वो ही आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि जिनको समझा जा सके वो तो होते हैं अक्षर होते हैं, और जिनको बोला जा सके, जिनको हम बोलते हैं बोला जा सके, वो सारे होते हैं वर्ण। यानी छोटी सी परिभाषा बता दी तुम्हें, जिनको बोला जा सकता है वो होते हैं वर्ण, और जिनको केवल समझा जा सकता है, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके खंड नहीं कर सकते, वो होते हैं अक्षर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से टॉपिक आपके समझ में आ गया। अब बात करें वर्तस्य ध्वनियां। वर्तस्य जो ध्वनियां होती हैं, जिन वर्णों का कई बार आता है, बड़े लेवल पे पूछा जाता है कि निम्न में से वर्तस्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तस्य ध्वनियां जिन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र है, जो हमारी जीभ है, जिह्वा है, वो दांतों को स्पर्श करती है। तो जिनको बोलते समय दांतों का स्पर्श होता है जीभ का, तो ये होते हैं ज, न, र, ल, स, ये पांच याद रखना है। चाहे इसको जनरल याद रख लो, चाहे जर्नल याद रख लो, तो है यही वही जर्नल जनरल, तो उनमें वही ज, न, र, ल और स, ये पांच वर्ण होते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से वर्तस्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अनुतान क्या होता है कि अनुतान होता है सुर का उतार चढ़ाव। जिस शब्द का हम सुर लेते हैं तो उसका जो आरोह अवरोह है, जो उतार चढ़ाव है, उसको अनुतान कहते हैं। मानक वर्ण जो पहले प्राचीन वर्ण थे और अब फिलहाल मानक में यानी कि वर्तमान में, उन वर्णों का परिनिष्ठित रूप क्या है। तो जैसे पहले ए ऐसे मानते थे, अब ए का मानक रूप यह हो गया, पहले ख ऐसे मानते थे, अब ख को आपको इनको नीचे बिड़ा ऐसे बिड़ाना है, ठीक है, ऐसे आएगा जब निम्न में से मानक वर्ण कौन से हैं। और पहले झ है ऐसे मानते थे और अब मानते हैं ऐसे, पहले धै ये मानते थे अब मानते हैं धै ये, पहले ल ऐसे मानते थे प्राचीन अब ल है हो गया ये, ठीक है, पहले अण ऐसे करते थे अब अण हो गया ये। तो इनमें से ये पांच चार वर्ण हैं
जो फिलहाल इनका रूप बदलता रहता है, इनका परिनिष्ठित रूप सामने आता रहता है। मानक जो कह सकते हैं हम, आज जैसे भाषा का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली है, इसी तरह मानक वर्ण है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में भाई इसका शुद्ध रूप क्या है। तो जैसे तो आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद पूछते हैं, तो आशीर्वाद में यहां रह लगा देते हैं और जो ऊपर रह होता है वो वर्ण से पहले बोला जाता है। तो यहां रह लगाएंगे तो ये रह वाद से पहले बोला जाएगा, ये शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। अच्छा, अतिशोक्ति में हमेशा हम ये ऐसे लिखते हैं अतिशोक्ति। तो अतिशोक्ति में ये जो सह है ये पूरा आता है, ये शुद्ध है। जैसे ज्योत्सना में तय भी याद आता है और सह भी याद आता है। जैसे कवियत्री ये शुद्ध होता है। जैसे पूजनीय ये शुद्ध होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि वर्तस्य अभी लिख के दिखाई दिया तुम्हें, वर्तस्य ये लिख दिया, पार्श्व ये हो गया, ठीक है। श्रद्धांजलि नहीं होती, श्रद्धा होती, श्रद्धा धैर्य पूरा होता है, दया का श्रद्धांजलि। और ये जो अनुस्वार है, ये इस जय के पांचों क्या जय छ जय जय है। एक अनाधिकार शब्द नहीं होता, कई बार एग्जाम में मैंने कम से कम 200 बार देख लिया कि ये शुद्ध होता है, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, ये शुद्ध होता है। उसके बाद ये त्योहार होता है, ठीक है। उसके बाद में कोई और शब्द जैसे उपलब्धि, सभी को बताई है। अच्छा, एक ये सन्यासी आता है, तो सन्यासी, चूंकि सन्यासी ये करेक्ट है, ऊपर बिंदी भी आएगी और नीचे न भी आएगा। देखो, सन्यासी में ऊपर बिंदी हटा देंगे तो भी वो शुद्ध है, पर वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और तद्व होता है, उनको परिवर्तित करके कहते हैं। तो इस तरह के ये शब्द हैं, और बीच बीच में क्लासों में बताता रहूंगा, ये लगभग बार बार ये पूछते रहते हैं कि इसका शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे एक टॉपिक सा बना दिया कि इस तरह के जो शब्द हैं वो शुद्ध होते हैं, फिर भी और बाद में जब हर क्लास में ध्यान आता रहेगा और मैं शुद्ध बताता रहूंगा। तो ये क्लास के टॉपिक जरूर छोटे हैं, लेकिन ये उपयोगी टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है।